दंतेवाड़ा के घोर नक्सल प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम मार्जो में शासन प्रशासन ने पहुंचकर सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों की मदद की। दंतेवाड़ा एवं सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के घोर नक्सल प्रभावित ग्राम मार्जो में सिविक एक्शन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मार्जो सहित आसपास के गाँव से लगभग 250 से 300 ग्रामीण सम्मिलित हुए। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का इलाज किया गया। शिविर में उपस्थित महिला एवं पुरुषों को साड़ी, चप्पल, लुंगी आदि सामग्री वितरित की गई और युवाओं को खेल सामग्री दी गई। साथ ही छात्र छात्राओं को कॉपी, पुस्तक और डिक्शनरी दी गई। दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने पानी की सुविधा हेतु हैंडपंप, छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और स्कूल खोले जाने की घोषणा की। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने ग्रामीणों को छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति की जानकारी दी। इस मौके पर बस्तर आईजी विवेकानंद सिन्हा ने ग्रामीणों से बातचीत की। बस्तर आईजी का साफ तौर पर कहना था कि नक्सलियों के बहकावे में कभी भी नहीं आए, अपने गांव के विकास हेतु सहभागिता निभाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। चिकपाल में पुलिस का कैंप खुलने के साथ ही सभी सुविधा इन ग्रामीणों को अब मिलेगी।